आजकल बाजारों में अलग अलग तरह की चाय मिलती है, कहीं मसाले वाली चाय, कहीं गुड़ वाली चाय, कहीं अदरक वाली चाय, न जाने कितनी तरह की चाय मिलती। मगर आज हम आपको एक ऐसी चाय के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अक्सर आपने इस पेड़ को अपने घर के आसपास उगा देखा होगा, मगर इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, इससे होने वाले फायदों को आप तक किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। मगर आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में मुनगे की चाय बन रही है, यानी कि मुनगे की पत्तियों से जिस तरीके चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं, उसी तरह की पत्तियों को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि अब यह आपको एक औषधि की तरह सुबह चाय के साथ परोसी जा सके। हमारे साथ कृषि विश्वविद्यालय से कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बनाया है उन्होंने और क्या कुछ नया है इसमें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर B.S. असाटी, कृषि महाविद्यालय श्री खदान से। ये एक चर्चा पिछले 3 दिनों से राजधानी रायपुर में है कि राजस्व में मुनगे की चाय मिल रही है, क्या कुछ है ये? ये सही है, ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए कि जो पहली चाय जो हम लोगों ने निकाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो छत्तीसगढ़ मुनगा चाय के नाम से जाना जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की नहीं वरन पूरे भारत की पहली ऐसी चाय है जो मुनगा से तैयार है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और जो इम्यूनिटी और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर ये देखते हैं कि लोग आजकल तमाम तरह के कैफे खुल गए हैं, लोग कहते हैं कि अदरक वाली चाय है, गुड़ वाली चाय है, इसे पियो तो ये फायदा होगा, मगर आपकी ये चाय पीने से क्या फायदा होगा? जितनी भी अभी जो चाय मार्केट में आ रही है ना, वो सिर्फ स्वाद के लिए आ रही है, जिसमें टॉक्सिन और कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल है यदि आप रोज पीते हैं। ये ऐसी चाय है ना जो पूरी टॉक्सिन और कैफीन से रहित है और जो स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा है। इसके लिए, इस चाय के लिए हम लोगों ने इस प्रकार से डेवलप किया है कि जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट देगा, जिससे आपकी जितनी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके आपके विटामिन ए है, कैरोटीन पिगमेंट फिनॉल है, ग्लूकोसिनेज एक्टिविटीज है, ये सब आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा मिलेगा। उस प्रकार से हमने ये चाय मुनगा, स्टीविया और लेमन कार्डेमम के साथ हमने ग्रीन टी को कॉम्बिनेशन में डेवलप किया है। अक्सर आपने देखा होगा कि शुगर फ्री जो लोग हैं वो जो यूज़ करते हैं, शुगर फ्री नाम की दवाई यूज़ करते हैं कि ताकि सुबह की चाय में कुछ मिठास आ सके। स्टीविया ठीक उसी तरीके का एक जो प्रोडक्ट है जिससे इन्होंने इसमें मिलाया है। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी दिक्कत होती है कि भाई हम चाय नहीं पी पाते, तो इस चाय को क्या वो सेवन कर सकते हैं? हाँ, ये चाय हमने उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर बनाई, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी के बाद ना लोग ना नशा की उस तरफ ज़्यादा जा रहा है, जिससे उनका ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी हैं, तो उनको ध्यान में रखकर ही इस प्रकार से डिजाइन किया कि उनका शरीर की जितनी भी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे निदान मिल सके, चाहे वो पाचन संबंधी हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, उन सबसे आपको ना निजात मिल सके। तो ये हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा, खासतौर से जो युवा के बाद वाली जो पीढ़ी उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। एक ये प्रोडक्ट है, आपको बता दूं कि यहाँ पर ये देखिए चाय पत्ती की तरह, नॉर्मल चाय पत्ती की तरह दिखती है ये, इसको किस तरीके से बनाया जाता है? ये नॉर्मल चाय पत्ती की तरह दिखती है, लेकिन इसका मेजर जो तत्व है वो है मुनगा फ्लेक्स, मोरिंगा लीव्स के टुकड़े बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग फ्लेवर के साथ तैयार किया गया है। इसके साथ में हमने इसमें ग्रीन टी और स्टीविया भी ऐड किया गया, जो माइल्ड स्वीटनिंग खासतौर से डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, या जिनको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो उसको हमने शुगर ना लेते हुए स्टीविया डालकर उसके फ्लेवर को हमने ऐड किया है। और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास? तो ये चाय के अलावा हमने चाय के कॉम्पिटेबल में हमने एक कुकीज निकाला है जो आप चाय के साथ ले सकते हैं, ये भी मुनगा से तैयार किया गया कुकीज है। इसमें हमने 0.5 ग्राम प्रति 10 ग्राम के आधार पर मुनगा पत्ती को ऐड करके न्यूट्रिशनली रिच कर दिया है, तो ये भी माइल्ड स्वीट की तरह काम करता है और ये भी आप लोग ना चाय के साथ इसको ले सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को पूरा तरीके से पौष्टिक आहार देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा खोजती है जो तरीका नेचुरल हो थोड़ा। अब ऐसे में अगर ये कहें कि बच्चों को इसका सेवन कराना है तो क्या कुछ होगा? हाँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन बहुत जरूरी रहता है, तो वो सभी
सभी अन्य फसलों में उतना ज्यादा नहीं है जितना ये मुनगा की पत्तियों में है। मुनगा की पत्ती ऐसी ताकतवर है, सबसे ज्यादा पोषण देती है, तो उस क्योंकि वो पत्ती कड़वी होती है, बिटर होती है, तो वो बच्चे ना उसको खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको हमने ध्यान में रखते हुए ना ये ना एक चॉकलेट डेवलप किया है, जिसमें हमने 3.4% मुनगा लीफ को ऐड करके के इसमें चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट को निर्माण किया, जिससे बच्चे ना बहुत ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। तो बच्चे चॉकलेट के माध्यम से भी इसे ले सकते हैं। अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाय है, बिस्किट है, अलग अलग तरह के जो नाश्ते में हम जो चीजें खाते हैं, चूड़ा या मिक्सचर, उस तरीके की चीजों को डेवलप किया गया। एक बार इनकी चाय भी देख लेते हैं, एक बार चाय दिखाएं, आखिर कौन सी चाय है ये? अभी हम जो मुनगा चाय है ना, वो आपको दो फ्लेवर के साथ में है, एक लेमन फ्लेवर है और दूसरा कार्ड में आपको हम एक लेमन फ्लेवर बनाकर दिखाते हैं। इस एक कप में हमको ना 70 ml पानी लेना है, 70 से 80 ml, ये आप देख सकते हैं 70 से 80 ml। और इसमें आपको एक टी बैग, ये टी बैग है लेमन का, जो चाहे वो टी बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, टी बैग भी बहुत इजी है। और इसको आपको 30 मिनट तक उसको डिप करना है, उसके बाद आप इसको आप पी सकते हैं। ये देखिए, आपको बता दूं कि लेमन फ्लेवर और दो फ्लेवर में चाय है, जिस तरीके से नॉर्मल चाय लगती है हम कैफे में पीते हैं, उसी तरीके का कुछ एकदम उम्दा स्वाद है। अगर आप कहें कि मिठास ना होगी इसमें, जिस तरीके से इसमें शुगर एडेड नहीं है, तो शुगर का पता भी नहीं चलता, यानी कि शुगर पेशेंट इसे आसानी से पी सकते हैं। एक चीज और आती है कि अगर इसे खरीदना चाहें आम इंसान रेगुलर यूज के लिए, तो कैसे खरीद सकता है, कहाँ से खरीद सकता है? ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अभी इसका मिलना शुरू हो गया है। आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय छुईकदान से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अभी मैं भविष्य में ना 2-3 जगह और हमारे आउटलेट खुलने वाले हैं, तो वहां पर भी आप इसको आसानी से ले सकते हैं। ये दोनों एक फैमिली पैक है, जो लूज पैक है, ये लूज पैक भी हमने बनाया है जो सब परिवार के लिए, और साथ में ये टी बैग्स है, यदि कोई टी बैग लेना चाहे तो टी बैग से भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब की चाय तो हमने पी ली, आपको भी अगर ये मुनगा वाली चाय पीनी है तो आप कृषि विश्वविद्यालय तक पहुंच सकते हैं या फिर राजोत्सव में आ सकते हैं। और अगर आप राजोत्सव पहुंचे हुए हैं तो इस चाय को पिए बगैर यहां से ना जाए, यही मेरी सलाह होगी, क्योंकि ये चाय अपने आप में बहुत ही ज्यादा शानदार है। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुर के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।